जसानल जी, आपने कहा हर आधे घंटे में आप एक बेहतरीन पिक देने वाले, तो बताएं सर आज की पहली दिवाली पिक कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट पेपर इंडस्ट्री से पहला स्टॉक मैंने चुना है और जो हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टिश्यू पेपर बनाने के लिहाज से, और अगर पेपर सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहीं हो रही है तो वो टिश्यू पेपर के सेगमेंट में हो रही है। टिश्यू पेपर एक जमाने में लग्जरी माना जाता था, अब लोगों ने रुमाल रखना भूल गए हैं कि वो भी जेब में होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको टिश्यू मिलते हैं। ओरिएंट पेपर, ये है वो स्टॉक जो मुझे पसंद है। सबसे पहला कारण ये कि सीके बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, लेकिन कई सालों से इस कंपनी ने वो प्रदर्शन नहीं किया जो पेपर इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियां कर रही है। अब चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, नए MD और CEO यहां पर आए हैं जो कि पहले ग्रासिम में हुआ करते थे। इसके बाद मुझे लगता है ठीक ओरिएंट इलेक्ट्रिक ओरिएंट सीमेंट में जो इन्होंने चेंज ऑफ मैनेजमेंट किया और उसके बाद दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरी है सीके बिरला ग्रुप की कंपनी में, ये तीसरी कंपनी होगी जो पूरी तरफ से परफॉर्मेंस के लिहाज से टर्न अराउंड करेगी। क्यों करेगी? इसका दूसरा कारण है भारी भरकम कैपेक्स कंपनी करने जा रही है। पहले तो पल्प कैपेसिटी इनकी 27,500 MTPA से बढ़ाकर ये 1,00,000 MTPA तक पहुंच रहे हैं, यानी कि लगभग 1/3 कैपेसिटी और बढ़ रही है। 265 करोड़ का एक एक्सपांशन और कर रहे हैं जिससे कि इनकी पावर कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, और जो इनकी डिपेंडेंस है बाहर से पल्प मंगवाने में, और पल्प के दाम बड़े ऊपर नीचे होते हैं, पल्प की कमी हो जाए तो मुश्किल होती है, ग्लोबल चिंताओं में कभी सप्लाई के इश्यू होते हैं, तो ये खुद अपने यहाँ पर पल्प पर जो बाहर की डिपेंडेंस है वो खत्म कर देंगे। तीसरा जो बड़ा कारण है वो वैल्यूएशंस को लेकर है दीप। 700 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, लगभग 700 करोड़ का। कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अल्ट्राटेक में है, HIL में है, और सेंचुरी टेक्सटाइल में। इनकी वैल्यूएशन ही 400 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि लगभग 700 करोड़ के सामने आधा तो इनके पास में दूसरी कंपनियों का शेयर पड़ा। दूसरी बात यह 850 एकड़ की लैंड बैंक है इनके पास उड़ीसा में, जिसका वैल्यूएशन 1,000-1,500 करोड़ कुछ भी लोग मानते हैं, यानी कि जितना मार्केट कैप है उतना तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट उससे ज्यादा है, उतनी एसेट्स हैं, सो आई थिंक वो एक आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट देता है। अब वित्त वर्ष 2024 में 800 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी कर लेगी, 110 से 120 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मुश्किल से 6 के PE मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे 3 टारगेट है, ये स्टॉक डबलर होने की ताकत रख रहा है जो 1 से 2 साल में आपको ये डबल होकर दिखा सकता है। 55, 65, 75, ये 3 टारगेट के लिए आपको ओरिएंट पेपर आराम से जब भी खराब मार्केट में मौका मिले, जरूरी नहीं कि आप आज का कूदें, आज का आज खरीदें, जब भी मौका मिले आराम से डबल होने के लिए ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ओरिएंट पेपर आज की पहली पिक, 55, 65 और फिर 75, डबल होने की क्षमता रखता है ये काउंटर 2 साल के, थोड़ा लंबा नजरिया रखिए बट अच्छी गेंस दिखाएगा।